टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 इन दिनों खूब चर्चा में है। सभी कॉन्टेस्टेंट आगे बढ़ने और कैप्टन बनने के लिए गेम में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच बिग बॉस के हाउस में कॉन्टेस्टेंट के बीच लड़ाइयां भी देखने को मिल रही हैं। बीते दिन बिग बॉस में सिंबुल तौकीर, शालीन घनोट और टीना दत्ता काफी चर्चाओं में थे। उनके बीच रिश्ते एक बार फिर से खराब हो गए। हालांकि बाद में उन्होंने सब सही तो कर लिया था, लेकिन बीते एपिसोड में एक बार फिर शालीन और सिंबुल के बीच खटपट होती हुई देखी गई है। दरअसल बिग बॉस के बीते एपिसोड में गौतम विक को कैप्टेंसी से बर्खास्त कर दिया गया और सभी कॉन्टेस्टेंट को दो दावेदारों का नाम लेने के लिए कहा गया। ज्यादातर लोगों ने प्रियंका चहर चौधरी और शिव ठाकरे का नाम लिया। शालीन ने भी उनका ही नाम लिया। हालांकि सिंबुल ने कैप्टेंसी के लिए खुद का नाम लिया। सिंबुल को इस बात का बुरा लगा कि शालीन ने उनका नाम कैप्टेंसी के लिए आखिर क्यों नहीं लिया। जब डाइनिंग एरिया में शालीन और टीना खाना खा रहे थे, तब सिंबुल ने शालीन से कंप्लेन की कि उनका नाम उन्होंने कैप्टेंसी के लिए आखिर क्यों नहीं लिया। शालीन कहते हैं, अगर एक बंदे के वोट से आपका होना ना होना होता तो मैं आपका नाम लेता। ये बहुत कैजुअल बात है, आपको समझ नहीं आ पा रही है। सिंबुल वहां से चली जाती है और फिर गार्डन एरिया में फिर से इस बात पर बहस छिड़ती है, जिसमें साजिद खान भी कूदते हुए नजर आते हैं। दोनों ने अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहते हैं। शालीन सिंबुल से कहते हैं कि फाइट करना है तो उनके साथ करो जो हक से कर रहे हैं। शालीन प्रियंका और शिव का एग्जाम्पल भी देते हैं। इसके बाद वो सिंबुल को स्ट्रॉन्गनेस का पाठ भी पढ़ाते हैं। सिंबुल उन्हें बताती हैं कि उन्होंने दूसरों के लिए तो नहीं लेकिन खुद के लिए स्टैंड लिया है। वेल, आपको बता दें कि सिंबुल ये कहती हुई भी नजर आती हैं कि मैंने अपने फादर के कहने के बाद भी इन दोनों से दोस्ती कंटिन्यू रखी है, क्योंकि मैं इनको अभी भी अपना मानती थी, लेकिन ये सच में मेरे अपने नहीं है। जिस पर शालीन इन्हें शटअप कहकर वहां से चले जाते हैं। बिग बॉस से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।